हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और आपका हम अपने इस रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करते हैं। तो आज हम देखिए आपके लिए लेकर के आए हैं 10th की केमिस्ट्री, और 10th की केमिस्ट्री का हमने अभी तक जो आपको टॉपिक पढ़ाया है, कल हमने आपको अम्ल क्षारक लवण के ही अंतर्गत जो चैप्टर चल रहा है उसमें हमने आपको सोडियम बाइकार्बोनेट और उसके पहले सोडियम कार्बोनेट के बारे में बनाने की विधि, उपयोग, गुण सब आपको बता रहे हैं एक तरह से डिटेल से। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं भैया, वो हमारा टॉपिक है आज आपका ब्लीचिंग पाउडर। बहुत आपके लिए, इससे भी आपको मैंने पहले ही बताया था कि हर जितने भी मैं अकार्बनिक सॉल्ट पढ़ा रहा हूँ, सभी अकार्बनिक सॉल्ट का बनाने वाला रिएक्शन और उपयोग ये एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा अहम होता है। लेकिन कौन क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये ना तो आप जानते हैं और ना हम ही जानते हैं, बस केवल अनसॉल्ट के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, यहाँ पे आज हम आपको 10th केमिस्ट्री इसका कौन सा चैप्टर है, सेकेंड, जिसका नाम है भैया अम्ल क्षारक एवं लवण, एसिड बेस एंड साल्ट, और इसका ये अगला पार्ट होगा आपके लिए। और ये हमारा आपका संपर्क सूत्र है, इस संपर्क सूत्र पर आप सब शाम 4 बजे के बाद और 8 बजे के बीच में कभी भी कॉल करके अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले तीसरा कंपाउंड जो हमारा है उसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ये नाम सुना सुना है, सब लोग जितना पढ़ रहे हो सबके बारे में जानते हो, ब्लीचिंग पाउडर भी आप लोग देखे होंगे। तो सबसे पहले इसका हम आपको बता दें अणु सूत्र, अणु सूत्र, इसका अणु सूत्र जो होता है CaOCl2 ऐसे होता है, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है, कंफ्यूजन में मत रहिएगा, CaOCl एक ब्रैकेट में और फिर कोई समस्या, CaCaO और फिर ये Cl देख लीजिएगा, OCl और फिर एक Cl बचा था उसको लॉस्ट। ओके, ये इसका सूत्र है, नहीं तो कहीं ऐसे लिखा हो कहीं ऐसे लिखा हो तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई कैल्शियम की बैलेंसी 2 होती है, तो एक बैलेंसी जब आयन होता है तो ये हाइपोक्लोरेट आयन होता है और ये क्लोराइड आयन होता है, इसीलिए इसका रासायनिक नाम थोड़ा हटके है। अब ये हो गया, अब मैं इसका रासायनिक नाम आपको यही लगे हाथ बता देता हूं, रासायनिक नाम जो कि कुछ ही लोगों को मालूम रहता है, सभी लोगों को मालूम नहीं रहता है। यहां से तो रासायनिक नाम नहीं निकल के आता है, यहीं से रासायनिक नाम निकल के आता है। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम, क्या बताया मैंने, कैल्शियम, ये जो शब्द है इसी से निकल के आया है, हाइपो क्लोरेट, इसके लिए हाइपो क्लोरेट, और सीएल लास्ट में है तो क्लोराइड। तो अब आपको तो कंफर्म हो गया होगा कि हमने इसका नाम ऐसा क्यों लिखा, कैल्शियम हाइपोक्लोरेट और फिर क्या बताया गया, हाइपोक्लोरेट जो ये लिखा गया है COCl, इसको हाइपोक्लोरेट, फिर आपको क्या बता दिया मैंने, क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोरेट और फिर क्या आप बताएंगे इसका, क्लोराइड, या हाइपोक्लोरेट क्लोराइड कर दीजिए या क्लोराइड हाइपोक्लोरेट, उसको कोई समझता नहीं इतना, और फिर साधारण नाम तो मैंने ऊपर भी लिखा है, लेकिन इसका एक नाम और होता है विरंजक चूड़, क्या नाम होता है, विरंजक चूड़, और या ब्लीचिंग
अब तो कंफर्म हो गया होगा ना हाइपोक्लोरेट क्लोराइड। तो यहां से अब आपको जो तीसरा कंपाउंड है वो है ब्लीचिंग पाउडर, और सूत्र आपको मैंने बता दिया CaOCl2 या CaOCl, रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या क्लोराइड, और फिर आपका क्या हो गया साधारण नाम विरंजक चूर्ण, इसी को कहते हैं, या इसी का एक नाम और है, और वो नाम क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर। इसके बाद हम बढ़ते हैं बनाने की विधि, जैसे सामने पढ़े थे वैसे इसमें भी प्रिपरेशन मेथड। ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए आपको मैं बता रहा हूं सबसे एकदम बढ़िया मेथड है बुझा चूना लिया जाता है, और बुझे चूने पर कौन सी गैस प्रवाहित कर दी जाती है क्लोरीन गैस। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। जब हम बुझे चूने पर क्या के बुझा चूना का फॉर्मूला क्या होता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही बुझा चूना कहते हैं। तो जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझे चूने पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो आपको ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। और एक चीज बता रहा हूं कि इसका निर्माण क्लोरीन गैस से किया गया है, इसीलिए ब्लीचिंग पाउडर में हमेशा क्लोरीन गैस की सुगंध आती रहती है, ये भी जान लीजिएगा। अगर इसका आप टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप हाथ में रखेंगे, जैसे इसको लगाएंगे आपने नाक के सामने तो आपको क्लोरीन गैस की स्मेल मिलेगी। तो आपको बता रहे ध्यान दीजिएगा, बुझे चूने पर इसके जो प्रिपरेशन मेथड हुआ करता है, बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके ब्लीचिंग पाउडर का या विरंजक चूर्ण का निर्माण किया जाता है। बुझा चूना का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, यही है बुझा चूना। और इसी बुझे चूने का एक नाम जो रासायनिक नाम होता है वो आपको मालूम होना चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नहीं कह दे कोई कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो कहोगे नहीं हमारा सर जी तो बताए हैं बुझे चूने पर, झगड़ा नहीं करने का, प्लस क्लोरीन गैस Cl2, ये क्लोरीन गैस है। तो जैसे ही आप बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करोगे, ये आपकी क्लोरीन गैस है, ये बुझा चूना, यहां देखो लाइन दिखाओ क्लोरीन गैस, तो एकदम सेटिंग है यहां Ca और इसमें से ओ ले लो Ca, हमारा टारगेट क्या निकालना है CaOCl2, क्योंकि इसी को बना रहे हैं, तो CaO और यहां का Cl2, क्या बात है, CaO और ये हो गया Cl2, और प्लस अब देखो दो हाइड्रोजन बचा है, एक ऑक्सीजन तो इसके साथ चली गई, एक ऑक्सीजन है तो बाहर क्या हो गया जल, और यही आपका क्या है विरंजक या ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर लिखो क्योंकि हम ब्लीचिंग पाउडर ही पढ़ रहे हैं ज्यादातर के, ब्लीचिंग पाउडर ऐसा कहीं मिलेगा नहीं, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ना तुम्हारी NCERT देगी ना कोई किताबें देगी, ये केवल एक मास्टर की ट्रिक है जो आपको ही केवल मिल सकती है, बस ये जान लीजिएगा, नहीं सोचो को ऐसा कहीं एकदम जैसे बढ़िया से सर जी बता रहे हैं ऐसे मिल जाएगा, ऐसा कहीं मिलता नहीं, ये आपको नोट्स दे रहे हैं इसलिए आपको बता रहे हैं। और यहाँ पे ये क्या है जल, ये आपके नॉलेज को बढ़ाने का एक तरीका है। तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बता दिया और सूत्र ये रहा राजू, और अगर आपसे कोई कहे ब्लीचिंग पाउडर कैसा सॉल्ट है तो मैंने बताया मिश्रित सॉल्ट है, और ये इसका रासायनिक नाम क्या होता है कैल्शियम हाइपोक्लोरेट क्लोराइड, साधारण नाम विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, बनाने की विधि बुझे चूने पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित करके ब्लीचिंग पाउडर का क्या किया जाता है निर्माण किया जाता है, और ये बुझा चूना है आपने इस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दिया तो आपको ब्लीचिंग पाउडर क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। चलिए आगे अब हम आपको बताते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। हाँ एक चीज आपको और बता दे रहे हैं यहीं से, चाहे आप आगे समझ लीजिएगा कि जो ये बुझा चूना होता है जब इसको क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है तो दो वैज्ञानिक ने अलग अलग उपकरण लिया था,
एक वैज्ञानिक था बैचमान और एक का नाम था हेक्सन क्लेवर। लेकिन पूरा मेथड यही है, उन्होंने भी बुझा चुना लिया था, क्लोरीन गैस प्रवाहित किया था, उन्होंने ही भी बुझा चुना लिया था और क्लोरीन गैस प्रवाहित किया था, दोनों साइंटिस्ट ने वही किया था। लेकिन बस फर्क यही था कि उनका उपकरण अलग था, उनका उपकरण अलग है। एनसीईआरटी में उपकरण के बारे में चर्चा नहीं की गई है, इसीलिए हम केवल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, बस ध्यान डायग्राम आपको नहीं, लेकिन हम उस चीज को आपको बता दे रहे हैं कि आप ध्यान दीजिए, रिएक्शन यही रहेगा दोनों में, बस केवल अलग अलग ऑपरेटर्स क्या किया गया है, दोनों ने क्या किया था, प्रयुक्त किया था, बस। यहां इसके नीचे प्रयोगशाला में ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए बैचमान ब्लैक पेन से साइंटिस्ट है ये एवं हेक्सन क्लेवर, अच्छे अच्छे नाम है साइंटिस्ट के, हेक्सन क्लेवर उपकरण या ऑपरेटर्स, उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ये हो गया। तो यही बुझा चुना जो होता है वो भी क्लोरीन गैस उसमें प्रयोग करते हैं, लेकिन डायग्राम अलग अलग होता है, इसलिए मैंने दोनों का नाम बता दिया, बैचमान और कौन सा हेक्सन क्लेवर ऑपरेटर्स का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और अब आपको हम बता रहे हैं इसका भौतिक गुण। नंबर एक, आपको बता दे रहे हैं जो ब्लीचिंग पाउडर हुआ करता है यह एक हल्के पीले रंग का क्या हुआ करता है, पाउडर होता है, यह हल्के पीले रंग का क्या होता है, पाउडर होता है। और दूसरी बड़ी बात, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी के ही अंतर्गत आप बताते हो कि इसमें क्या हुआ करता है, क्लोरीन गैस की क्या आती रहती है, स्मेल आती रहती है। तो यह हल्के पीले रंग का पाउडर होता है, पहली बात। दूसरी, इसमें से क्लोरीन गैस, बड़ी तीक्ष्ण गंध होती है, क्लोरीन गैस की गंध आती है। यहां हल्के पीले रंग का क्या होता है, पाउडर हुआ करता है, और इसमें से क्या हुआ करता है, क्लोरीन गैस की क्या आती है, गंध आती है। और अब हम लोग इसका पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण, ये ध्यान दीजिएगा। रासायनिक गुण में सबसे पहले इसकी चीज हम आपको बता दे रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। तो इसमें बताया जाता है नंबर एक, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, कितना बढ़िया तरीके समझिए। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करते हैं, ये रिएक्शन पार्ट है, ऐसे आपको इसी तो कहते हैं केमिस्ट्री, जब रिएक्शन समझ में आए आगे आपको मैकेनिज्म जब पढ़ाई जाती है 12th में और फिर आगे ग्रेजुएशन में, एक एक रिएक्शन लिखा जाता है, जैसे मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, जैसे ऑर्गेनिक के रिएक्शन होते हैं, सबकी मैकेनिज्म पढ़ाई जाती है, क्रिया विधि और रिएक्शन कैसे टूट रहा है, तब सही केमिस्ट्री आती है। अभी तो जो आपके जिस लेवल पे है वही आपके लिए बहुत है। तो अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम सल्फेट जल और क्लोरीन गैस, किसी भी अम्ल से करोगे तो तुरंत अपघटित हो जाएगा, सॉल्ट का निर्माण करेगा, क्लोरीन गैस का, और आपके जल का निर्माण करता है। तो यहां पे इसकी लैंग्वेज क्या बनेगी,
ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया किससे? H2SO4 के साथ करने पर H2SO4 के साथ करने पर राजू क्या मिलता है बताओ? कैल्शियम सल्फेट। जल और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात एवं क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो ये है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्लस H2SO4 तेजाब। अब देखिए यहां से CA और यहां से SO4 बाहर होता है CaSO4 आपका पहला प्रोडक्ट कैल्शियम सल्फेट और ये पूरी की पूरी क्लोरीन गैस चली निकाल लो क्लोरीन गैस ऐसा नहीं गैस का निकल गया। यहां से देखो CA और यहां से SO4 एकदम सरल है भाई और यहां से Cl2 और अब बचा क्या यहां से H2 और यहां से आप लोग अंडरलाइन मत किया करो मैं केवल समझाने के लिए करता हूं। अब प्लस यहां क्या हो जाए किया करता है H2 को। अब सबका नाम जो लिखे आप लोग सुंदर अक्षरों में तो इसका नाम क्या होगा देखिए हम लोग इसलिए लिख देते हैं ताकि बच्चे कहते नहीं आपने तो किया नहीं था इसलिए हम भी कर देते हैं। ये क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल क्योंकि नकल मारने में आप लोग इन सब चीजों में तो आगे हुए सल्फ्यूरिक अम्ल और ये है कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट। ये कौन सी गैस है क्लोरीन गैस और ये क्या है आपका तो ये पहला इसका रिएक्शन हो गया केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत। अब दूसरा रिएक्शन मिटा दे जी दूसरा रिएक्शन है राजू वो है कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया किससे क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। तो अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड से। इस रिएक्शन की सबसे देखिए सब में क्लोरीन गैस निकल रहा है सबसे बड़ी खासियत यही चीज आपको समझना है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या किया करता है मैं आपको बता रहा हूं कि कैल्शियम कार्बोनेट एवं क्लोरीन गैस का निर्माण करता है। तो दूसरी प्रॉपर्टी होगी कार्बन डाई ऑक्साइड से क्रिया कार्बन डाई ऑक्साइड से क्रिया। अभी मैंने बताया ब्लीचिंग पाउडर अगर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगी तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और क्लोरीन गैस बनती है। ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया किसके साथ CO2 के साथ या मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करने पर क्या मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट क्या मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट एवं फिर वही क्लोरीन गैस प्राप्त होती है क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। यह है आपका CaOCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब CO2। तो देखो एकदम सेटिंग है ये यहां से CaO है तो ही इसमें से CO2 तो यहां हो जाएगा CA आपका CO3 हो जाएगा ना दो AO और एक O ये
तो हो जाएगा सी ए सी ओ थ्री और यहाँ से ये क्लोरीन आप पे आते हैं आपसे बाहर। कितना अच्छा, बहुत इजी इजी रिएक्शन है, कठिन नहीं है, अगर आप समझिए तो, नहीं तो भी तो पूछिए नहीं। तो सबका नाम लिख सकते हैं, इसका नाम क्या होगा, नाम लिख लोगे ना, नहीं लिखोगे, ब्लीचिंग पाउडर। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, आपके लिए दो छोड़ा हुई है, क्लोरीन और ये कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरी प्रॉपर्टी जल से क्रिया, रिएक्शन विथ वाटर। तो आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि जो ब्लीचिंग पाउडर हुआ करता है, एक चीज आपको बता दे रहे हैं कि इसका उपयोग जल को जीवाणुनाशक से या जल को जीवाणु रहित करने में भी उपयोग किया जाता है। तो एकदम उल्टा वाला, जो इसे बनाने वाला रिएक्शन लिखे थे अभी कि पूछे चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर एवं क्या मिला था, जल, तो वैसे ही इसका उल्टा हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया, एकदम उल्टा वाला रिएक्शन है जो बनाने वाला था, अभिक्रिया जल के साथ करने पर बुझा चूना एवं क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला CaOCl2 और प्लस जल, वही जो पूरा एकदम उल्टा रिएक्शन था, CaOH का होल ट्वाइस, ये बुझा चूना है और प्लस क्लोरीन गैस, बैलेंस होगा एकदम। अभी आपने जब बनाया था तो बुझे चूने पर क्लोरीन गैस किया था तो इधर उल्टा कर दिया, तो ये आपका क्या है, इसलिए तो कहते हैं रिएक्शन एक जगह पढ़ो, उसका अर्थ निकालना सीखो, तभी तो पढ़ाई का मतलब होता है, कैसे यहाँ पे रिफरेंस में कैसे वहाँ पे है, नहीं तो ऐसे रट्टा मारोगे तो फिर गड़बड़ होता है, समझ करके कोई चीज़ चली जाती है। और ये आपकी कौन सी गैस है, क्लोरीन गैस। ये बढ़िया से आपको एकदम विधिवत आपको मैंने बनाने की भी फिजिकल प्रॉपर्टी और पूरी केमिकल प्रॉपर्टी आपको ब्लीचिंग पाउडर की बता दिया। तो यहां से ये टॉपिक अभी क्लियर नहीं होता है, अभी आपको क्या करना है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर का, वो क्या है, इसका आपका उपयोग, इरेज करके लिख रहा हूं इसको, बढ़िया सा इसको आप लोग लिखें, लास्ट टॉपिक चल रहा है इसमें ब्लीचिंग पाउडर के अंदर में। मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है, मैं क्या करूं, अजनबी से मुझे प्यार है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नंबर एक, अभी बताया मैंने, जल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने में। दूसरा उपयोग, प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म बनाने में बहुत ज्यादा उपयोग इसका है, जान लीजिएगा, प्रयोगशाला में क्या बनाने में, क्लोरोफार्म को बनाने में। और एक होता है ऑक्सीकारक के रूप में, जान लीजिएगा ऑक्सीकारक, अपचायक आप पढ़े हो, ऑक्सीकारक का मतलब जिसके कारण अपचयन होता है उसको ऑक्सीकारक कहते हैं। और एक होता है विरंजक, इसका नाम जो विरंजक चूर्ण रखा गया, क्यों रखा गया जानते हो, क्योंकि ये किसी भी पदार्थ के रंग को उड़ा देता है, तो इसीलिए विरंजक के रूप में भी इसका होता है। विरंजक माने जो होता है रंग को समाप्त करना, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, कलर को उड़ाने में भी सहायता करता है। तो पहला जो उपयोग है, जल को, जल में उपस्थित जीवाणुओं को, मजा आएगा भाई,
नष्ट करने में, दूसरा विरंजक, रंजक माने होता है ना डाइस कलर, विरंजक के रूप में, तीसरा अक्षिकारक के रूप में, ये सब उपयोगी हैं, और चौथा क्लोरो फार्म 11th 12th में है बनाने में। तो उपयोग सबका, और इसका उपयोग ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है और ये दो। तो इस तरीके से आपकी ब्लीचिंग पाउडर पूरा मैंने पढ़ा दिया, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और यूजेस। और आप लोगों को आई होप पूरा एकदम टॉपिक क्लियर होगा, बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। और अगर कोई बात एकदम कन्फर्म होती है तो एक कमेंट और एक शेयर जरूर बनता है। थैंक यू, धन्यवाद।